उसका इलाज करना पड़ेगा। चाल रही है की पिस्टल लेके चलते हैं। प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों, आज फिर एक विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। विषय बड़ा गंभीर है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है, सुना है, अखबारों में भी आया और न्यूज़ पोर्टल पे भी चला है कि भाई नशा मुक्ति केंद्र में वैश्यावृत्ति चल रही है, ऐसा करके कुछ काफ़ी न्यूज़ पोर्टल वालों ने चलाया। इस पे मैं कुछ चीज़ आपको तथ्य के साथ आपको बताना चाहूँगा। इसमें सरकार का कहना है कि नशा जो है बहुत गलत चीज़ है, इससे दूर किया जाए, नशा मुक्ति अभियान तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जो लोग नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं, यूथ को नशे से दूर कर रहे हैं, उनकी जगह तो जेल में है। और जो लोग नशे को बेच रहे हैं, नशावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग आज शरेआम घूम रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, थोड़ा सा इनको भी इस विषय में सोचना चाहिए कि आप मिनट से पहले पहुंच के अगले की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेना चाहिए आपको। जिसके साथ घटना हुई है उससे भी आपको बात करनी चाहिए, और जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है उससे भी आपको बात करनी चाहिए, ताकि जो सच बात है, जहां तक भी आप सच को जान सकें, वो आप लोगों के सामने रख सकें। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते, आप लोग तुरंत जो है उस महिला को पीड़ित दिखा देते हैं कि ये बहुत पीड़ित है, लेकिन उसकी सच्चाई जानने तक आप लोग नहीं जाते। ये बहुत गलत बात है। एक पत्रकार बंधु अपना माइक और कैमरा लेके नशा मुक्ति केंद्र के बाहर पहुंच जाते हैं और बड़ा हा हुल्ला मचाते हैं, जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन देखिए, जब वो लोग जो वो पत्रकार बंधु हैं, वो वहां के लोगों से बात करते हैं, उनको बोलते हैं जी यहाँ पे ऐसा काम चल रहा था, तो लोगों के क्या बयान है, लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ ऐसा हमने तो कुछ देखा नहीं, यहाँ तो कीर्तन होता था, शंख की आवाज आती थी, ढोलकी की आवाज आती थी। हम भी पड़ोस में ही हैं, लेकिन हमें कोई भी आवाज नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। शाम को भले ही आरती की आवाज तो आती थी, बट ऐसी कोई संदिग्धता हमें कभी महसूस नहीं हुई। कीर्तन होता था, शंख बजता था, ढोलक बजती थी, पूजा होती थी। और आप उस पे जबरदस्ती ब्लेम लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वैश्यावृत्ति चलती थी नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में, तो सच्चाई को जान लें, उसके बाद अपनी जो रिपोर्टिंग को बढ़ावा दें। 70-75% हमारे जो पत्रकार बंधु, 70-75% सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हैं जिनका काम है सिर्फ टीआरपी के लिए काम करना। किसी का बेटा फंसता है फंसे, किसी की बिटिया फंसती है फंसे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। तो ये बड़ी गलत चीज़ें हैं, इस पर गुरेज करना चाहिए। और जो पत्रकार का जो महासंघ है, इनके जो मुखिया हैं, उनको इन चीज़ों पर लगाम लगानी चाहिए, सोचना चाहिए गंभीरता से चाहिए की। और अब इस विषय में आप देखिए, एक महिला इल्जाम लगाती है नशा मुक्ति केंद्र पे कि इन्होंने मेरे साथ अश्लीलता की है और मेरे साथ बलात्कार जैसी हरकतें करवाई हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वो जो महिला ऐसा आरोप लगा रही है, उस महिला को नशा मुक्ति केंद्र में लाने वाला व्यक्ति, जिसको वो अपना भाई कहती थी, जिसको जो व्यक्ति उसको बहन कहता था, वो उसको नशा मुक्ति केंद्र में इसलिए लेके आया कि इसके ये नशे से दूर हो जाए। उस महिला का नाम है शबनम, उसके पास उसका कोई आधार कार्ड भी नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है उसकी, कौन है, कहाँ से है, ये क्या कर रही है। उसके ऊपर NDPS के मुकदमे चल रहे हैं, बरेली में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, नशा बेचती भी कई बार पकड़ी गई है। आप उसकी कई वीडियोस देखेंगे तो उसमें वो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि अभी भी नशे में है। वो रिपोर्ट कराने जाती है थाने में, बताती है उस समय भी उसने नशा किया हुआ था। ये तो खैर, अगर पुलिसकर्मियों ने मेडिकल कराया होगा तो ये तथ्य भी सामने आ जाएंगे, लेकिन बिना जांच के किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर जो पहले भी नशा बेचने के जुर्म में जेल जा चुका है, तुरंत किसी व्यक्ति को उठाकर जेल में पहुंचा देना बिना जांच किए, ये भी एक जांच का विषय है कि ऐसी घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण है। लेकिन देखिए, उस महिला का जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है शबनम से आप पहचाने गए होंगे कि कौन सी कास्ट से है और कौन से धर्म से बिलोंग करती है। और वो महिला नशा तस्करी में जेल जा चुकी है, उसके पास कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी उसके बेस पे पुलिस मुकदमा दर्ज करके तुरंत उनको जेल भेज देती है। वो एक मोबाइल फ़ोन था जो अपने पास रखती थी, जिसकी डिटेल्स हम लोगों के पास आ चुकी है। कल उस जिनको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा है और जो लड़की के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी है, उनके माता पिता कल मेरे निवास पे पहुंचे हुए थे, जिन्होंने सारी घटना बताई।
कि किस किस तरीके से घटना हुई है, कुछ वीडियोस भी उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि एक ब्लैकमेलिंग के तरीके से, एक इनसे पैसा ऐंठने की तरीके से और एक बदलाखोरी की भावना से ये कृत्य करा गया। इसका इलाज करना पड़ेगा। चार लड़के पूरी भरी है, पांच सात लड़के ये कृत्य करा गया। अगर वो महिला बता रही है जी मेरे को टीम मेंबर बना के बाहर भेजते थे और मेरे साथ ऐसा काम कराते थे, तो तब आपके पास फोन था, आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? 100 नंबर पे क्यों नहीं आपने डायल किया? क्यों नहीं आप अपने घर वालों को बताया? क्यों नहीं आपने अपने साग संबंधी वालों को बताया कि मेरे साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? आप एक मंशा लेकर चल रहे थे कि इनको कैसे ना कैसे फंसाना है, क्योंकि आप नशे के आदि थे। आपको नशा मुक्ति केंद्र में नशा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा था, आप बार बार उसकी डिमांड कर रहे थे, आपको नहीं उपलब्ध कराया, तो आपने एक मंशा बना ली कि मैंने इनसे बदला लेना है। वही घटना बाहर आके आपने करी, जिसपे पत्रकार बंधुओं ने भी तुरंत उसकी सच्चाई को नहीं जानना चाहा, तुरंत जो है बोलना शुरू कर दिया यहाँ पे ऐसा काम चलता था, वैसा काम चलता था, कोई तथ्य नहीं है, बिना तथ्य के बात कर रहे हैं। उस महिला ने 9 महीने वहां रहने के बाद जब वहां से गई है, एक लिखित में नशा मुक्ति केंद्र को एक लेटर भी लिखा है जिसपे उसके दस्तखत भी हैं, उसके अंगूठा भी है कि मैंने यहाँ पे अपनी सेवा निभाई है, बड़े आराम से मैं रही हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसा उसने लिखा भी है, ऐसी उसकी वीडियो भी है। मैं शबनम, डॉटर ऑफ बूरा, निवासी रामनगर, ईदगाह चौक, घना डांडी, इस संस्था में 1 सितंबर 2021 अपने नशेपन के इलाज के लिए भर्ती हुई थी। अपने 2 महीने के उपचार के बाद अगले 7 महीने संस्था में मुझे अन्य नशेबाज लड़कियों की सेवा का मौका दिया और मैंने 7 महीने स्टाफ में दिए और इन 7 महीनों में मुझे मेरे नशे को छोड़ रखने के लिए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ताकत मिली। इन 9 महीने में संस्था ने मेरे साथ कोई बदसलूकी या किसी भी तरह की मारपीट नहीं की। वीडियो भी है। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन मेरा बार बार निवेदन पत्रकार बंधुओं से कि ऐसी घटनाओं पर पहले जांच लें, अपने स्तर से जितनी आप जांच कर सके जरूर करें, जांच नहीं कर सकते कम से कम पक्ष तो जान लीजिए कि दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है। सीधा टीआरपी के लिए एक वीडियो चला देनी चाहिए, ऐसी घटना हो गई, वैसी घटना हो गई, तो इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और तथ्यों को खासतौर पर जान लेना चाहिए कि वाकई में ऐसी घटना हुई भी है या किसी और मंशा से ऐसा कार्य किया जा रहा है। इस चीज़ को जांच लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, घटना से कुछ दिन पूर्व ये महिला एक व्यक्ति को, जिसको अपना भाई बताती है या जिसको अपना हस्बैंड भी बताती है, उसको लेकर जिस व्यक्ति को हनी नाम के लड़के को जेल भेजा गया है, उसके घर भी गई, उनसे पैसे की भी डिमांड कर रही है। बेटे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये मकान अभी पहले बाकी नहीं पड़ा, हम मर जाएंगे, मकान तो पहले बात चला ही जाएगा, वैसे हमारे पास प्रॉपर्टी कुछ है नहीं। तू कर क्यों रहा है सब, पागल है क्या? वो हमारे पास बाकी कुछ नहीं है बेटे, आंटी पागल है क्या? वो सेंस के पास गिर गई है ये सब। उनके सेंटर के बाहर आके वो लोग उनको धमका भी रहे हैं। विराट, मैं चलाना गोली उतनी रेट ठोकूंगा, ठोकूंगा तो कह रहा है विराट। राठी भाई, मैं छोड़ दूं भाई यार राठी। अरे विराट, कोई भी ठोकूंगा माटी वाले ना दे ना, रास्ता भी लगातार खर्च आवे पैसे लाओ गोली मारी। अरे पैसे गाली गलोच भी कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। इनकी वीडियोस बहुत हैं, मैं क्या करके वीडियोस भी अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा कि घटना में कितनी सच्चाई है। इसी के साथ सबको सब श्री अकाल।